तो नमस्कार मित्रों, आप लोगों के लिए हम लोग लेके आए हैं एक नई सीरीज जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये बनारस में बने पूजा पंडाल जो लोग नहीं देख पा रहे हैं उसको देख सकें। तो देखिए, ये है, अभी हम लोग शिवपुर में खड़े हैं और ये सबसे पहला पंडाल जो हम लोग चल रहे हैं वो शिवपुर में बना पंडाल है। तो ये जो पंडाल है इसकी थीम है वो प्रेम मंदिर पे बनाई गई है। देखिए कि थोड़ा सा पास से देखते हैं, ये देखिए पूरा ये आपका कृष्ण और राधा जी को बनाया गया है जो कि प्रेम मंदिर आपका प्रतापगढ़ में जो बना हुआ है उसके ही थीम पे इसको बनाया गया है। और देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ नक्काशियाँ भी दर्शाई गई हैं, जबकि बांस पे बनता है ये और इसको दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन तब भी इन लोगों ने पूरी कोशिश की है कि इसको ठीक से दिखाया जा सके। अब ये देखिए कुछ अंदर का नज़ारा है, क्योंकि ये कृष्ण प्रेम मंदिर है तो प्रेम मंदिर के थीम पे बनाया गया है। तो ये चारों तरफ यहाँ पे कृष्ण भगवान की मूर्तियों को दर्शाया गया है, कृष्ण जी और राधा जी को, और पूरा पंडाल भी कृष्ण की जी के जैसे मोर का पंख होता है उसी तरह इसको दर्शाया भी गया है। देखिए आप, पूरा कितना खूबसूरत लग रहा है ये पंडाल, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा ये आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो यहाँ बाहर में भी लाइटिंग बहुत खूबसूरत हुई थी, तो आप लोग एक बार चाहें तो लाइटिंग्स में भी आके थोड़ा घूम के फोटो वोटो खिंचवा सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। अब हम लोग चलेंगे आगे का पंडाल देखने, जो कि शिवपुर में थोड़ा सा ही यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है। देखिए ये वाले पंडाल में जो है इसको बनाया गया है माता कामाख्या के मंदिर के थीम पे। तो यहाँ पे बार बार लाइटिंग चेंज हो रही थी, तो ये एकदम मंदिर में जब आप कभी कोई गया होगा माता कामाख्या के मंदिर में, तो लगभग कुछ इसी टाइप से ही माता का मंदिर दिखता है बाहर से। अब इस तरह नगेश्वर से हम लोग जा रहे थे, जब यहाँ से रिटर्न कर रहे थे तो एक पंडाल बीच में पड़ता है नगेश्वर के बीचों बीच में, जो नगेश्वर टावर है वो भी बड़ा खूबसूरत लग रहा था। तो एक बार आइए उसको अंदर से देखते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ लाइटिंग की गई है, ऊपर से भी पंडाल को बनाया भी कितने अच्छे से किया गया, इसकी सजावट बहुत अच्छी की गई है। तो महाकालेश्वर का एक मतलब भगवान को भी बैठाया गया है, तो लोग इनके साथ यहाँ पे जो भी आ रहा था वो सेल्फी लेने की कोशिश जरूर कर रहा था। ये देखिए भैया भी लगे हैं यहाँ पे, ये सेल्फी ले रहे हैं। तो थोड़ा सा पास से देखते हैं, देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे रंग जो किया गया है और इसको दर्शाया गया है आकाश को, वो कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे मंदिर में प्रसाद भी पड़ता है, आप चाहें तो आके ले सकते हैं। और ये देखिए पूरा कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसके आगे जब हम लोग नरेसर से आगे बढ़ रहे थे तो हम लोगों ने अपना गाड़ी को मोड़ लिया था पांडेपुर की तरफ, तो यहाँ काल भैरव जी का एक छोटा सा प्रतिमा बनी हुई है, मतलब ये पंडाल जो है काल भैरव को दर्शाती हुई है। देखिए मेरा फ्रेंड है रोहित, साथ साथ हम लोग चल रहे थे आगे। और ये देखिए पंडाल जो है छोटा ही पंडाल है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इस साइड में देख सकते हैं। ये देखिए ऊपर से आपको दिखा रहे हैं, पूरी चुनरियों से सजाया गया है, आकाश की तरह इसको बनाया गया है, एक यूनिक थीम दी गई है। ये बाहर के साइड में क्योंकि काल भैरव है तो इसलिए भूत पिशाच के साथ साथ यहाँ पे एक छोटा सा थीम दिया गया है कि यहाँ पे ऐसा कंकाल उंकाल को टांग के जो देखने में यूनिक लग रहा था। देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए हैं कॉटन मिल कॉलोनी के पास, यहाँ छोटा भीम वाला जो थीम बना है उसको देखने के लिए। और ये यहाँ पे जो एंट्री है वो आपका संकट मोचन के गेट को दर्शाते हुए की गई है। यहाँ की लाइटिंग भी देखिए खूबसूरत लग रही है, लाइटिंग बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हम लोग देखिए यहाँ पे चलते चलते खूब यहाँ पे हम लोगों ने भी फोटो खींची है, और आप लोग भी आए तो इस लाइटिंग पे भी फोटो खींचिए, क्योंकि अब लाइटिंग भी बनारस की बहुत अच्छी होने लगी है। और ये है अपना छोटे बच्चों को जो सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहा है भुलकपुर, जो कि जो देखता होगा, हम लोग भी देखते थे छोटे बचपन में। और ये है छोटे भीम के थीम पे बना छोटे भीम का पंडाल, जो कि आपका कॉटन मिल कॉलोनी के पास में है। तो ये न्यू यूथ स्पोर्टिंग क्लब इसको कहते हैं। और ये देखिए कुछ इस टाइप से अंदर है, इसको चारों तरफ से एक बार देखते हैं। तो इसके चारों तरफ भी देखिए आप ध्यान से, तो ये जो उसके कैरेक्टर्स हैं कार्टून के छोटे भीम के, और उसके छोटे छोटे जो उनके साथ घटनाएं घटती रहती हैं, जो हमेशा ढोलकपुर पे हमला होता रहता है उसको दिखाया गया। आइए थोड़ा सा पास से मूर्ति को भी देखते हैं, मूर्ति भी बहुत अच्छी है। हाँ, हालांकि बहुत बड़ी मूर्ति नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से इसको सजाया गया। देखिए कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है। और ये चारों तरफ सारे कैरेक्टर्स को दर्शाया गया है। और यहाँ बैठने की भी आपकी सुविधा है, जो क्योंकि कॉलोनी है ये, तो वहाँ के लोग यहाँ पे लग रहा है कुछ कॉम्पिटिशन भी साथ साथ करवाते होंगे, जिसके कारण लोग यहाँ पे भी पूरे मतलब थोड़े थोड़े दूर पे आके और देर पे आके यहाँ पे बैठ रहे हैं। अब ये देखिए इसके आगे जब हम लोग बढ़ गए थे तो ये हरिश्चंद्र कॉलेज से थोड़ा सा और आगे आप डीएवी कॉलेज से सीधे आगे जाएंगे, तो यहाँ पे जो थीम है वो ईशा फाउंडेशन
जो है, तो एशिया में इसी टाइप से शंकर भगवान बने रहते हैं, तो उनकी ही थीम पे इसको बनाया गया है। ये देखिए ध्यान से, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे वो ऊपर का शंकर भगवान तो आप लोग जान ही रहे हैं, तो बहुत फेमस हो गए ये वाले शंकर भगवान का मूर्ति जो है ईशा फाउंडेशन में। यहाँ पे ये थोड़ा सा लेदर शो टाइप का हल्का सा ऊपर चल रहा है, जिसमें शंकर भगवान आपको नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लगा। और ये है अंदर की मूर्ति, जो कि नीले इसका बैकग्राउंड दिया गया है, देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा है। अब ये देखिए हम लोग आ गए हैं आपका मनसाराम फाटक पे। यहाँ की लाइटिंग्स देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे ये देखिए कितना अच्छा थीम दिया गया है, गणेश जी ऊपर से शंकर भगवान को जल अर्पित करते हुए, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ये देखिए अंदर चल रहे हैं, तो ये जो पंडाल है ये बहुत छोटी जगह में लगता है, और इस पंडाल का जो मतलब मेन थीम था वो कांतारा पिक्चर जो थी उसके उसी के ऊपर की थीम पे इसको बनाया गया है। और देखिए कितना खूबसूरत है ये, और थोड़ा अंदर भी देखते हैं, ये छोटी जगह में बहुत ही खूबसूरत पंडाल है, इसको भी आप लोग कंसिडर करिए देखने अगर आते हैं। अगर आप हथुआ मार्केट के पास में हैं तो ये बगल में ही है, आप किसी से भी पूछ के जा सकते हैं। ये देखिए अंदर से कितना नारियल के ऊपर से अलग टाइप से एकदम थीम लग रही है, अच्छी लग रही है। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर हो सके तो आप लोगों के लिए और एक दो अच्छा अच्छा पंडाल की वीडियो लेके आएंगे। और मिलते हैं तब तक अगले वीडियो के लिए, और आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग बनारसी वस्मोला, और इसी तरह अपना साथ बनाए रहिए। प्रणाम।